नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। ग्राम पंचायत बोरावड़ में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए पंचायत ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। सरपंच भवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, वार्ड पंच अयुब गोरी, समाज सेवी भोलाराम ओढ़ ने छापर रोड, सार्वजनिक तालाब, शास्त्री कॉलोनी, महादेवी कॉलोनी आदि क्षेत्रों में मुख्य सड़क पर पड़े गंदगी के ढेर को जेसीबी से उछवा कर वहां पर हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करवाया है। गजेंद्र बोथरा ने बताया कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर ग्राम पंचायतों द्वारा पेड़ पौधे लगवाए जाने की योजना है। वहीं कस्बे में एक विशाल पार्क बनाया जावे, इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आमजन से कहा कि घरों का कचरा बाहर सड़क पर ना फेंके, पंचायत का ट्रैक्टर में या कचरा पात्र में ही डाले। बोथरा ने बताया कि रोड लाइट का मेंटेनेंस का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। बोरावड़ कस्बे के भामाशाह नगर सेठ के नाम से विख्यात सेठ स्वर्गीय लाल लक्ष्मी देवी बोथारा के पर्यावरण प्रेमी परिवार ने कस्बे के जैन कॉलोनी में गुरुवार सुबह सघन वृक्षारोपण कर वन महोत्सव मनाया। इस मौके पर बोथरा परिवार ने पौधे के रख रखाव, सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी का संकल्प भी लिया। पर्यावरण प्रेमी बोथरा परिवार के सदस्य रायचंद्र बोथरा ने कहा कि जल और जंगल के बिना पृथ्वी पर प्राणियों के अस्तित्व के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसके बाद भी हम प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए महज धन के स्रोत के रूप में देखते हैं। पेड़ पौधों को तेजी से काटा जा रहा है, जिसे तेजी से कंक्रीट के शहरों का इसके साथ ही विस्तार हो रहा है, उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है। इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सूखा, इसके साथ ही आदि प्राकृतिक आपदाएं घटना वन क्षेत्र के ही कारणों की वजह से होता है। इसके लिए वन कटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को बचाने के साथ ही पौधारोपण पर भी जोर देना चाहिए। हमारे समाज के ऐसे भी लोग हैं जिनके पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जारी है। सामाजिक संस्थाएं भी सतत प्रयत्नशील है। बोथरा ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर सुमन बोथरा, प्रवीण कंवर, सुरभि, पुनीत राजेश आदि उपस्थित थे। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत खारिया के राजस्व ग्राम रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामनगर के परिसर में वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छायादार फलदार पौधों का प्राथमिकता देते हुए वृक्षारोपण किया गया। सरपंच देवीलाल दादरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जुलाई को सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राजकीय कार्यालय एवं विद्यालय परिसर, जिनमें चार दीवारी उपलब्ध है, उसमें वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण में आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक छायादार व फलदार पौधे के रोपण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही हम किसी मरुस्थल के दर्शन करके सहज ही समझ सकते हैं, पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। गर्मी की तपती दोपहर में वृक्ष की तरह का सूख और इसके साथ ही कई प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अलावा वृक्षों से फल फूल, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी एवं ईंधन आदि अनेक आवश्यक सामग्री हम सबको प्राप्त होती है। वृक्ष के महत्व को देखते हुए हर वृक्ष और हर वर्ष वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव का आयोजन करके अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य का उपहार इन वृक्षों से प्राप्त करना चाहिए। इस मौके पर उपस्थित प्रधानाचार्य व पारिवारिक शिक्षा अधिकारी खारिया बसंत कुमार शर्मा ने बताया कि हमें पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए और जितने हो सके उतने से ज्यादा नए पेड़ लगाने चाहिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खंबा स्टैंड रामनगर के प्रधान अध्यापक पूर्णाराम गुर्जर ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार है और इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि गांव की सुंदरता में चार चांद लगे। इसके साथ ही सभी को पौधे लगाने और उनकी संभाल करने के लिए प्रेरित किया गया और पेड़ जीवन का आधार है। इस मौके पर उप सरपंच ईश्वर सिंह, वार्ड पंच दिलीप कुमार, वार्ड पंच प्रतिनिधि छोटू राम, अर्जुन राम, रामनिवास रामदेवा, शिवपाल सिंह हिरानी, अध्यापिका सुनीता हेमलता, गणेशाराम, अमर पारिक खारिया, मुकेश जायल और हरित नगर सुरेश कुमार, भीमाराम व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
डिडवाना क्षेत्र के ग्रामोत्थान विद्यापीठ में मृत्यु भोज कानून को लेकर परिषद सीईओ जवाहर चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संगोष्ठी हुई है, जिसमें मृत्यु भोज को कानूनी अपराध के साथ समाज को खोखला करने वाली बीमारी बताया गया है। जवाहर चौधरी ने कहा कि मृत्यु भोज मनुष्य को आर्थिक स्थिति से कमजोरी नहीं करता, बल्कि कई बार देखा जाता है कि इस बीमारी से जकड़ा हुआ व्यक्ति मौत का ग्रास भी बन जाता है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण स्वयं के हाथों अपने परिवार को बर्बाद कर देता है। एसडीएम प्रभाती लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर संस्थान के संरक्षण जसाराम चौधरी क्षेत्र के एसडीएम अंशुल बेनीवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रधानाचार्य रामकुमार रेवाड़ ने अपने पिता के निधन पर मृत्यु भोज नहीं करने का संकल्प लेकर 1,00,000 रुपए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दीनदारपुरा को दिए। 51,000 रुपए की राशि ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए बालिका शिक्षा के लिए दी गई। संस्था के अध्यक्ष आयदाना राम रिवाड़ा मोलासर, सरपंच जोगेंद्र बलारा सरदारपुरा, सरपंच रामस्वरूप गोदारा ने भी ग्राम पंचायत स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान सामाजिक योगदान देने वाले समाज के व्यक्तियों का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। खबर कुचामन से है, जहां नारायणपुरा, मंगलाना, मिठुड़ी, त्रिसिंगिया, नुआ, दहिया की ढाणी, बेरी व सरदारपुरा के खेतों में मंगलवार रात में टिड्डी दल ने पड़ाव डाल दिया और बुधवार सुबह तक टिड्डी खेतों में घूमती रही। इसके बाद टिड्डी दल खोकर कबास, सुद्रासन, क्यामर के गांव की तरफ होते हुए सीकर सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सुनील दहिया ने बताया कि नुआ ने फसल बुआई करने के बाद से 5 बार टिड्डी दल पहुंचा और उसके बाद हर बार टिड्डी दल नुकसान पहुंचा रहा है। कृषि विभाग ने स्प्रे करके रात भर टिड्डी को मारने की कोशिश भी की। डिडवाना एसडीएम अंशुल बेनीवाल व एडीएम प्रभाती लाल टिड्डी के पड़ाव स्थान पर पहुंचे निरीक्षण किया। मंगलाना हरजियोनों में टिड्डी दल ने काफी नुकसान किया है, तो किसान एक घंटे तक पीपे व अन्य बर्तन बचाकर उसे भगाने का प्रयास करते नजर आए। किसान मोतीराम रायका ने बताया कि टिड्डी ने लहलहाती फसल को काफी नुकसान पहुंचा दिया। हवा के रुख के साथ ही टिड्डी दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। किसानों ने टिड्डी दल से हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। किसान मुकेश गोदारा एवं सुरेश कड़वा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद टिड्डी दलों की मार किसानों पर भारी पड़ रही है, इससे किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान सभा ने बुधवार को किसान छात्रावास में बैठक का आयोजन किया। किसान सभा ने बैठक के आयोजन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चुनाराम पालियाल ने बताया कि इस समय 2020 में किसान बुरी तरह तकलीफ में है। टिड्डी से किसानों की फसलें चौपट हो रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से किसानों को बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को समय पर फसलें निर्णय नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान परेशान है। समय पर फसल ऋण दिया जाए। किसान सभा में यह माना है कि विद्युत विभाग के नाम पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इधर किसानों के नलकूप खराब पड़े हैं, लेकिन रिबोर की परमिशन नहीं मिल रही, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जबकि वास्तविक विद्युत कनेक्शन कोई चोरी की लाइट उपयोग में नहीं, किसानों को रिबोर नहीं करने दिया जा रहा। किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन करने की तैयारी शुरू की जाएगी। कुचामन लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा किए जा रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के क्रम में बुधवार को क्लब सदस्यों ने प्रांतीय ध्येय वाक्य के साथ सेवा को चरितार्थ करते हुए यातायात पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, संजय सामरवाला, मुरलीधर गोयल, सुमित काबरा, प्रमोद खंडेलवा, जितेंद्र सिंह, राज पुरोहित, सुशील काबरा, ऋतुराज जैन, मुरली मनोहर, स्नेही ने यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक दयानंद, हेड कांस्टेबल मदनलाल, महावीर प्रसाद, बलवीर सिंह, कांस्टेबल झुमरमल, मगराज श्रवण राम, जहांगीर खां, संतरा देवी को माला पहनाकर एवं कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। एवं सुरक्षा के लिए मास्क तथा सैनिटाइजर भेज किए। इस दौरान लॉयन राम काबरा ने कहा कि कोविड-19 के संकट काल में अपने परिवार से दूर रहकर एवं अपनी परवाह न करते हुए आमजन की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहकर एक कर्मयोगी की तरह बखूबी अपने कर्तव्य को अंजाम देते रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं को क्लब की टीम सैल्यूट करती है एवं कोरोना वॉरियर्स के रूप में इनका सम्मान करती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। एएसआई दयानंद ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवाकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सम्मान से निश्चित रूप से हमें और अधिक कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी।
का माला बनाने के लिए दीजिए अरे तो सिस्टम में काम करना पड़ा साहब आप सोशल डिफेंस का ध्यान रख के काम करते हैं आप नहीं खड़े होना अरे वाले नगर परिषद कार्यालय मकराना में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किए गए 5 पार्षदों का समारोह पूर्वक स्वागत कर पद की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मकराना पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, समरीन भाटी उपसभापति, सलाम भाटी, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, आयुक्त संतलाल मक्कड़ और मौजूद रहे। नव मनोनीत पार्षद मुख्यतः अहमद गहलोत, नाथू सिंह जावेद, शेख मोहम्मद असलम चौधरी, रत्नी देवी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर साजिद भाटी इस्तफाक अहमद रांदड़, अब्दुल फजल गोरी, मंजूर गहलोत व कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षदगण, नगर परिषद के कर्मचारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित रहे। मकराना पुलिस थाने में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ दहेज को लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पीहर से 2 लाख की नकदी व बाइक नहीं लाने पर पति ने षड्यंत्र पूर्वक पत्नी के साथ सहवास व अंतरंग संबंधों की वीडियो व फोटो मोबाइल में लोड कर लिए और इसके साथ ही रकम की डिमांड का दबाव बनाते हुए ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से उन्हें अपने साले के मोबाइल पर भी भेज दिए। अब वह वीडियो व फोटो नेट पर रकम जुटाने की धमकी दे रहा है। देशवाली ढाणे निवासी 24 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति, ससुर, सास व ननद पर प्राथमिकता दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका विवाह 28 नवंबर 2018 को हुआ था। पिता ने हैसियत से बढ़ चढ़कर दहेज दिया। कुछ दिन बाद ससुराल के लोगों ने बाइक व 2 लाख की मांग की और पीहर से लाने की मांग की, जिस पर उसने पीहर से 50,000 लेकर उन्हें दे दिए, जिस वो काफी नहीं बताते हुए आरोपियों ने प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। इस बीच एक पुत्री भी पैदा हुई थी जो कि अब 6 माह की है। पति ने पत्नी के साथ सहवास व अंतरंग पलों के क्रियाकलापों की अश्लील वीडियो व फोटो मोबाइल में रिकॉर्ड करने लग गया और उसके बाद में उसने पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद दहेज की डिमांड पूरी कर वरना ये सारी वीडियोस और फोटोज वायरल कर दूंगा, ये पति ने कहा तथा इसके पश्चात वीडियो और फोटो अन्य लोगों को भेज दूंगा। ससुराल पक्ष में अन्य सदस्यों को इसकी शिकायत करने पर उन्होंने आपसी रजामंदी से घटनाक्रम को अंजाम बताया, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने मांग पूरी नहीं करने पर उसे समाज में बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी परिवार ने अश्लील वीडियो व फोटो अपने साले व परिवारियों के भाई के मोबाइल पर भेजकर वायरल कर दिए। बाद में उसे 11 मार्च 2020 को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मकराना कस्बे के मंगलाना रोड स्थित राज्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल अनिल तिवारी के सानिध्य में टॉपर रहे विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर की ओर से समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। तिवारी ने बताया कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पुलकित मेहता ने 89.40% और इसके साथ ही गुंजन भाई मेहता ने 88.40%, कनिष्ठ पुरोहित ने 88.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर रहा है। इस मौके पर राजीव जैन, लक्ष्मी दीक्षित, यूनिस खान, अशोक चौधरी, जयपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। मकराना डिस्कॉम परिसर में बुधवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली बिल समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर हाजिर हो गए। पुरुष ही नहीं, महिलाओं की तादाद में भी काफी अधिक संख्या थी। कोरोना महामारी में डिस्कॉम की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई भी माकूल इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसका नतीजा रहा कि भीड़ को काबू में करने के लिए कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिलों में त्रुटि को लेकर अपनी फरियाद लेकर कतार में खड़े लोग धक्का मुक्की झेलते रहे। उनमें से कोई ने तो मुंह पर मास्क भी नहीं लगा रखे थे। ऐसे में बिलों की समस्या का समाधान हुआ है नहीं, परंतु यह तय है कि शिविर से कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ गया है। पहले से ही क्षेत्र में 80 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें सामाजिक संक्रमण की हिस्ट्री भी रही है। शिविर में कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत भी शामिल हुए, जिन्हें फरियाद सुनने के लिए भीड़ ने घेरा बनाया हुआ था। इस दौरान अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह, अधिशासी अभियंता आरपी सोनी, अकाउंट ऑफिसर दिनेश कुमार, सहायक अभियंता मुकेश मीणा, कनिष्ठ अभियंता संजीव कुमार, राकेश मीणा, विजय कुमार राम सिंह आदि ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न प्रकरणों को लेकर 170 आवेदन पेश किए गए, जिनमें से 125 घरेलू व विद्युत कनेक्शन, 35 एनआईटी से जुड़े थे, जबकि 10 प्रकरण वीसीआर से संबंधित थे। अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डिस्कॉम की ओर से आयोजित हुए शिविर के दौरान बड़ी संख्या में शहर के नागरिक उपस्थित रहे और बिजली के बिलों से संबंधित समस्याएं डिस्कॉम के अधिकारियों को बताई गई।
मारोट कस्बे के मुख्य बस स्टैंड के पास बुधवार को देव महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में नागौर जिला दुग्ध सहकारी समिति के चेयरमैन किशन भीचर, महावीर प्रसाद जोशी, मारोट सरपंच सारिका बाबेल, सरपंच प्रतिनिधि भवनलाल बाबेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में चेयरमैन नागौर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति किशन भीचर, MP जोशी, सोहन मोहाल, कमल शिव मारोट, सरपंच सारिका बाबेल, मारोट पूर्व सरपंच भवनलाल बाबेल, भगवानपुरा सरपंच राधेश्याम गुर्जर, श्यवन बेनीवाल, मदनलाल मिंडा, सुरेश गुर्जर, बजरंगलाल मिंडा, भवनलाल धनकोली का देव महिला दुग्ध उत्पादन ने सहकारी समिति के प्रोपराइटर सूरज करण गुर्जर द्वारा माला वसाफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नागौर जिला दुग्ध सहकारी समिति चेयरपर्सन किशन भीचर ने कहा कि आज नागौर जिले में यह 35वीं दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का उद्घाटन हुआ है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलवाने और इसके साथ ही पौष्टिक व क्वालिटी का दूध मिल सके। सहकारी समिति मारोट के इस BMC शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे हुए गांव के सम्मान्य बुजुर्ग शक्ति श्री मोहनलाल जी बाबेल, पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, डेयरी से पधारे हुए मार्केटिंग मैनेजर श्री महावीर प्रसाद जी, सरवण जी बेनीवाल, डेयरी संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोहन जी मोहाल, कमल जी शिव और आसपास की सभी समितियों से पधारे हुए समिति अध्यक्ष व सचिव, आज नागौर डेयरी ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार की दिशा में काम करते हुए 53वां BMC मारोट ग्राम में स्थापित किए हैं, जो कि नागौर डेयरी की विकास की जो गाथा है उसके अंदर एक नया आयाम स्थापित हुआ है। वैसे नागौर डेयरी का शुभारंभ 2016 एक फरवरी से हुआ था। इससे पूर्व पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से एक बहुत बड़ा संघ हुआ करता था, जिसमें नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये चार जिला शामिल हुआ करते थे। मई 2007 के अंदर नागौर जिला संघ के नाम से एक अलग से डेयरी का उदय हुआ। तब से लेकर आज तक नागौर डेयरी ने पूरे नागौर जिले में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। एक नवीन शुरुआत थी, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सरकार की ओर से डेयरी संघों को पर्याप्त बजट वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती है। किसानों की संस्थाएं होती है और सहकारिता से जुड़ी हुई होती है, उसमें नफा नुकसान की जो स्थितियाँ होती हैं वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी होती है। पूर्व में जिला संघ जो हमारा उसमें भी नागौर संघ को कोई विशेष धनराशि या कार्य पूंजी नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी 1 फरवरी में ये जो BMC की स्थापना हुई है, ये यहाँ के आसपास जितने भी किसान बंधु हैं, दुग्ध उत्पादक बंधु हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रयास होगा। सहकारिता की भावना होती है, एक सब के लिए सब एक के लिए, उसी अनुरूप ये समिति हमारी कार्य करती है गाँव में। और हमारा मुख्य लक्ष्य यह होता है कि दुग्ध उत्पादक किसान को हम वर्तमान बाज़ार में जो भी भाव चल रहा है उसको अधिकतम मूल्य प्रदान करवाएं। उसमें भाव के अंदर जो भी दिक्कत आती है, दुविधाएं आती है, तो हम यहाँ पे हमारा जो सरस का जो सहकारी समिति का पॉइंट है, जो हमारी समिति है, वो कभी भी जो प्राइवेट दूध उत्पादक या प्राइवेट दूध ये यहाँ पे जो दुग्ध
निम्बी चौदह सालासर नेशनल हाईवे संख्या 58 पर एक टैंकर व पिकअप की भिड़ंत में पिकअप चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची लाडनो पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल स्थित मोर्ची में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब गुजरात से तेल लेकर पंजाब की तरफ आ रहे टैंकर निम्बी जोधाम से मंगरासर की ओर जा रही पिकअप गाड़ी से टकरा कर निकटवर्ती हुई गांव के पास हुई। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि पिकअप के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद लाडनो थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल भेराराम ने बताया कि दो वाहनों की हुई टक्कर में पिकअप चालक की मौत हो गई है। मृतक पिकअप चालक जगदीश बेरा पुत्र जयराम बेरा उम्र 27 साल सिलवनवाद गांव का निवासी था। मंगलवार रात्रि को दुर्घटना के बाद मृतक के शव को लाडनो स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां पर बुधवार दिन में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। खबर पलवल से जिसे है, जहां बुधवार को घोषित हुए सीबीएसई दसवीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी ने शानदार परीक्षा परिणाम दिया है। विद्यालय की छात्रा अंजू डोकिया ने 97.20% अंक अर्जित कर पहचान बनाई और पहला स्थान प्राप्त किया। विद्यालय समन्वयक मनीषा राठौड़ ने बताया कि सीबीएसई दसवीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के 37 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 34 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी एवं 3 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। विद्यालय के 4 छात्रों ने 90% अंक से अंक अर्जित किए, जिसमें अंजू डुकिया 97.20 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। हर्षिता बागड़ा 95% अंकों के साथ, इसके साथ ही ऋषभ लाखोटिया 94% अंकों के साथ तृतीय एवं दिशा महेश्वरी ने 91% अंकों के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के 14 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह, विद्यालय शासक गजेंद्र सिंह नाथावत, विद्यालय निरीक्षक विक्रम सिंह प्रधानाचार्य ने परिणाम पर खुशी जाहिर करते हुए विद्यार्थियों को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। परबसर लॉयंस क्लब भवानी परबसर के सौजन्य से तपती धूप में कर रहे काम, अपने परिवार से दूर, अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव से अपने सेवाएं प्रदान कर कोरोना योद्धाओं के रूप में कर्तव्य निर्वहन कर रही पुलिस विभाग के अधिकारी और उनके कर्मचारियों का सम्मान किया गया। लॉयंस क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस थाना परबसर के 10 स्टाफ पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया है। इसके साथ ही इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बोहरा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर लाल आदि मौजूद रहे। शेरानी आबाद निकटवर्ती मामडोदा गांव में शहीद सब इंस्पेक्टर हेमराज शर्मा की जयंती शहीद स्मारक मामडोदा में मनाई गई। शहीद के भाई हवलदार शिक्षक गोपीराम ने बताया कि उपस्थिति सभी ग्रामवासियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर पौधे लगाए गए, शहीद के भाई ने मास्क एवं पौधे का वितरण किया। इस मौके पर शहीद के परिजन सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।